बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो हम भी ठीक हैं। तो वही रोज़ की मेरी सुबह की रूटीन के साथ हाजिर हूँ मैं आप लोगों के सामने। आज का व्लॉग, आज हमारा क्या होने वाला है वो आप लोग वीडियो को मेरा पूरा देखिएगा स्किप करे बगैर। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, अभी जो है मैं निकाल रही हूँ दूध पे से मलाई। ये देखिए दूध से कितनी अच्छी हमारी जो है ना मलाई उतर आती है। और इससे जो है ना फिर मैं निकाल लेती हूँ देसी घी और इसको जो है ना मैं इस कंटेनर में, यहाँ पे जो है अब मैं तैयारी कर रही हूँ पराठे की, क्योंकि रात को हमने जो साग बनाया था उसके साथ मियाँ जी ने अब खाने हैं नाश्ते में। खाना मलाई से ही निकाला हुआ है, ये देखिए सही है, ये घी जो है ना मैंने मलाई से निकाला हुआ और मैं यही जो है ना पराठों के अंदर देती हूँ। तो इसको जो है ना हम पराठों में दे देंगे और बहुत अच्छा रहता है घर के अंदर घी ना असली निकल आता है। तो अगर आप लोगों ने देखना है कि ये मैंने किस तरह निकाला है, तो मैंने अपने जो ना मधिया के जो फूड पे सी रेसिपी जो है ना अपलोड की है, तो आप लोग वहाँ जाके इसको जो ना देख सकते हैं कि ये किस तरह से मैंने निकाला। तो मैंने कहा बस मैं ये आप लोगों को दिखाऊं कि इतनी जो हम मलाई जमा कर लेते हैं ना उससे कितना सारा हम लोग घी घर में निकाल लेते हैं। बाजार से बहुत महंगा मिलता है, महंगाई बहुत हो गई, तो इसलिए कोशिश करा करें जो चीज़ घर में हो सकती है उसको घर में कर लें, बाकी फिर बाजार। अब मैं पराठों को बेल रही हूँ ताकि मैं जल्दी से जो है ना पराठे बना लें। तो बस अभी ये हमारे यहाँ पे पराठा तैयार है तवे पे जाने के लिए। बस हम जो है इसको डालेंगे और ये जो है दूसरे चूल्हे पे चाय मेरी हो चुकी है और मैंने चूल्हा उसके नीचे बंद कर दिया ताकि खुश्क ना हो जाए जब तक चाय। और यहाँ जो है ना पापा दे दे ये गया पराठा भी मेरा सही। तो यहाँ पे जो है ना व्यूअर्स मैंने सारे जो है ना बना दिए थे, अंदर मैंने घी दे दिया था और ऊपर मैं बनाने के बाद ना रोटी ऊपर दे रही हूँ घी ना। आपको पता है देसी घी को ना इसे जलाने से उसकी जो तासीर है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो बस इस तरह से ना मैंने सारी रोटी पे देखें ऊपर दे दिया और ये बिल्कुल अच्छा सब बन गया। तो बस अब हम इसको खाते हैं, इंजॉय करते हैं। तो ये देखिए मोहम्मद अहमद को पड़ी है खुद चीनी डालने की और ये देखिए लगे हुए अपने आप चीनी डालने में और इनके कैमरा जाए इनके पापा पकड़ के खुद बोल नहीं रहे, मुझे कह रहे हैं बोलो बोलो चलो बस 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 चीनी ज्यादा नहीं खाते, ज्यादा नहीं खाते चीनी। ये चीनी ओ देख ये दुश्मन है चीनी का, ये चीनी बहुत ये शौक से खाता है, इसको बड़ी कोशिश करते हैं। गरम हो गया है मेरा साग, देख सकते हैं आप लोग, तो साग हमारा गरम हो गया है। तो ये रहा हमारा साग जो कि मैं कल आप लोगों को पकाने में दिखा नहीं सकी थी, लेकिन इसकी रेसिपी मैं अपने चैनल पर लाजमी अपलोड कर दूंगी क्योंकि मुझे अपनी रेसिपी के लिए बनाना थी, तो इसलिए जो है ना फिर मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकी थी। तो मैं इसकी रेसिपी जो है ना इंशाल्लाह चैनल पर अपलोड कर दूंगी, रिकॉर्ड कर ली है मैंने। आप फ्रेंड्स को बताओ कैसी है दही? और ना हमारे घर में दही लाजमी इसकी वजह से जमती है, मोहम्मद अहमद की वजह से। मोहम्मद अहमद को बहुत पसंद है ना दही, है हेल्दी कौन है? तो फिर पराठे से खाओ, अपने पराठे से खा लो, जल्दी से लो, जल्दी से भांति से खाते हैं दही। फ्रेंड्स को बताओ कैसे खाते हैं और फिर हेल्दी हो जाते हैं, जल्दी से ले लो, इधर ही रख लो ना, इधर ही रख लो मिर्ची। नहीं नहीं वो घी लगाया मम्मा ने। चलो बताओ जल्दी से कैसे हेल्दी होते हो? घी निवाला तोड़ो, घी बहुत निवाला तो तोड़ो। जोर से तो बोल दो। ये आ गई है चाय और अब जो है ना मियाँ जी लेके जा रहे हैं चाय, अपनी कमरे में जाके बैठ के पियेंगे या अब अपनी थोड़ी न्यूज देखेंगे। और ये रही मेरी चाय और हम खाना खा चुके हैं। प्लेट देखें कैसे साफ किए, बिल्कुल चाट लिए। इनके पसंद की कोई चीज़ हो ना तो प्लेट फिर साफ ही हो जाती है, जो ना पसंद हो ना वो बेचारी प्लेट में पड़ा रहता है चीज। और ये देखे मोहम्मद अहमद के यहाँ पे जो है आटा घर में खत्म होने वाला था, तो इनके पापा जो है ना आटा ले आए और कॉफ़ी भी हमारी ख़त्म होने वाली थी, तो बस हमने कहा कॉफ़ी नहीं आया तो ये वाली कॉफ़ी हम लोग यूज़ करते हैं, कॉफ़ी इसकी बहुत अच्छी होती है। बर्नी से ये होता है कि साशा आपने एक खोला और डाल लिया है एक यूज़ हुआ, बर्नी से जो है ना ज़्यादा ज़्यादा डल जाती। तो ये रहा आटा हमारा, आटा हो गया और बस यहाँ जो है ना मैं अभी दही जमाने की तैयारी कर रही हूँ। देखिए मैंने चादर बिछाई हुई है, इसके अंदर जो है ना हम दही जमाएंगे। और मोहम्मद अहमद की अभी तक दही नहीं ख़त्म हुई, ये खा लें जल्दी से, मेरी चाय भी ठंडी हो रही है, मैं जाऊँ फिर चाय पीऊँ। मैंने कहा दही जमा दूँ क्योंकि दही ख़त्म हो गई है और फिर इन लोगों को कल चाहिए। तो मेरी तो जो है एक दिन जमाती हूँ तो दो दिन माशाल्लाह से खा लेते हैं बच्चे। तो यहाँ पे जो है हमारा दूध गर्म हो रहा है, बॉयल तो था बस हल्का सा गर्म होगा तो फिर मैं दही जमाऊँ। तो ये देखिए इनके पापा जो है ना पानी लेने गए और मोहम्मद अहमद यहाँ पर रो रहे हैं।
से रोते पापा के। आ रहे आ रहे पापा, अंदर आओ अंदर आओ अंदर, तो आओ उठो उठो। तो बस मेरी ये रही चाय, अब मैं जो है अपनी चाय को एंजॉय करती हूँ। मैंने अपनी दही भी रख दी है जमने के लिए, और मोहम्मद अहमद को देखें लगे हुए वहाँ पे। तो बस चलते हैं, मैं जो है ना बैठ के अपनी चाय पीती हूँ। और ये देखें कपड़े धोए थे और यहाँ कैसे फैले हुए, घर मेरा अभी पूरा बिखरा पड़ा है। ये देखें घर अभी सारा जो है ना फैला हुआ है। तो बस मैं चाय वाय पी लूँ नाश्ता करके, इंशाल्लाह फिर समेट। तो अब यहाँ पे जो है हो रहा है दोपहर का टाइम। तो यहाँ पे हम लोग वेजिटेबल राइस और चिकन शाश्लिक है, तो इसको हम लोग अभी खा रहे हैं। तो इसी के साथ जो है मेरे चैनल पे जो नए हैं आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट होती है, काइंडली मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिन्होंने पहले से किया हुआ है वो मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट्स कर दिएगा इसी तरह से, ताकि आप लोगों के अच्छे अच्छे से कमेंट्स से हमारी थोड़ी हौसला अफजाई हो जाती है और आप लोग के लिए अच्छे अच्छे से व्लॉग लाने के लिए दिल करता है। तो बस इसी के साथ अभी हम लोग ये खाना खा लेते हैं, तो फिर आगे मिलेंगे। आज का व्लॉग बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त होने वाला है, वीडियो को लाजमी देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा। तो अब हम चलते हैं अपने आगे। यहाँ हो गया है रात का टाइम और अब हम लोग खा रहे हैं रात का खाना। तो ये साग है और ये है कबाब फ्राई, और यहाँ ये मोहम्मद अहमद कह रहे हैं मैंने पापे खाने। तो बस अभी जो हम रात का खाना खा रहे हैं, इनके पापा जो है ना वो लेट हो जाते हैं रात में, नहीं तो मैं और ये एक साथ ही खाना खाते हैं। बच्चों को मैं खिला के सुला देती हूँ, लेकिन जो है ना वो लेट होते हैं, मैं ज़्यादा लेट खाना खाऊँ तो ना मेरा जो है रात में फिर पीपी जो है ना वो हाई हो जाता है। तो इस वजह से ना मैं फिर जल्दी ही खाना खा लेती हूँ, थोड़ा सा खा लेती हूँ उन लोगों के साथ, फिर थोड़ा फिर हस्बैंड के साथ खाती हूँ, क्योंकि वो मुझे डांटते हैं कि ना आप जो है ना खा लिया करो, नहीं तो आपकी जो है ना फिर तबीयत ख़राब होती है, आपको तबीयत भारी होती है, फिर बीपी हाई हो जाता है। तो यहाँ पे जो है ना ये दोनों आ चुके हैं खाना खाने के लिए। तो बस अभी हम लोग यहाँ खाना इंजॉय कर रहे हैं, और इसी के साथ बस यहाँ पे जो है ना अपनी वीडियो का एंड करूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।